हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइन आर्ट क्लास। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 11th क्लास फाइन आर्ट चैप्टर फर्स्ट प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। तो जो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं 11th क्लास फाइन आर्ट्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। तो इस चैप्टर में आज की क्लास में हम करेंगे कि प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग में किस तरह की पेंटिंग्स बनाई जाती थी और वहाँ के जो आर्टिस्ट थे, वहाँ के जो लोग थे, वो किस तरह से अपना टाइम को मतलब स्पेंड करते थे, क्या क्या वो मतलब उनके शौक़ थे और कैसे वो अपना जो था लाइफ को स्पेंड करते थे, कैसे कैसे अपना वो मतलब क्या उनके काम थे टोटल जो भी था, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, जैसे कि चैप्टर का नाम ही है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, तो उसके लिए क्या है, अब प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्री हिस्टोरिक पीरियड होता कौन सा है। उसके लिए हम कुछ बेसिक देख लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए जो है हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, पीरियड टू रिटन रिकॉर्ड्स और राइटिंग वॉज इन्वेंटेड बिफोर सिविलाइजेशन, एंड सेकेंड प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ड्यूरिंग राइटिंग वॉज इन्वेंटेड बट वी कुड नॉट डिसिफर एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड थर्ड हिस्टोरिकल पीरियड, स्टडी ऑफ द पास्ट बेस्ड ऑन रिटन रिकॉर्ड्स। तो इसके बारे में अब मैं आपको बता दूँ, जो ये हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिकल पीरियड। चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं अब हम। प्री हिस्टोरिक पीरियड, अगर मैं लिटरल सेंस में कहूँ तो आप शब्दों से ही समझ जाएंगे कि प्री हिस्ट्री यानी कि पहले, हिस्ट्री से पहले, प्री हिस्ट्री हिस्ट्री से पहले। तो हिस्ट्री किसे कहते हैं, अगर ये प्री हिस्ट्री है तो हिस्ट्री किसे कहते हैं। चलिए हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, हिस्ट्री उस समय को कहते हैं जो रिटन रिकॉर्ड के हिसाब से हमारे पास हो और हमें उसका पता हो, जिसके बारे में लिखा गया हो या फिर मतलब हमें सब कुछ पता हो कि कौन कौन से राजा थे, कौन कौन से महाराजा थे, किस तरह की डायनेस्टी थी, उन्होंने कैसे कैसे शासन किया, है ना, उन सब का रिटर्न रिकॉर्ड्स या तो किसी न किसी फॉर्म में हमारे पास मतलब हो और हमें उनका पता हो। तो इन सब का रिटर्न रिकॉर्ड्स है जिसके बारे में हमें उनका पता चलता है। तो ये तो हो गई हिस्ट्री। लेकिन प्री हिस्ट्री क्या है, अब प्री हिस्ट्री वो है जिसके बारे में हमारे पास को रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं हो, हमें नहीं पता है उस समय क्या हुआ था, है ना, कि राइट, क्योंकि उस समय राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो अगर मैं लिटरल सेंस में कहूँ तो प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है जिसके रिटर्न रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं हो, जिसका हमें पता नहीं हो और उनके उस समय पे क्या कैसे लोग थे और वो क्या क्या करते थे अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए, वो क्या उनके शौक थे, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जिसका रिटर्न रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं हो, लिखित दस्तावेज कोई हमारे पास नहीं हो, कोई भी हमें ऐसा सबूत नहीं मिलता हो कि जिसके बारे में हमें उनका पता चलता हो। तो ये वो समय हो गया सिविलाइजेशन से पहले का समय, जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन से पहले का समय था, है ना। सेकेंड है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, अब ये वो समय था जब राइटिंग तो इन्वेंट किया जा रहा था लेकिन आज भी हम उसको डिसिफर नहीं कर पाए हैं, आज भी हम उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाए हैं कि वो क्या लिखा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक चैप्टर जो पढ़ा होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसमें भी कई सारी ऐसी चीज़ें लिखी गई थी, चाहे वो सिक्कों पर लिखी गई हो या फिर वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर हों, लेकिन आज तक हम नहीं जान पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं कि वो जो लैंग्वेज थी जो उन पर लिखी गई थी, इतने सारे इंस्क्रिप्शन लिखे गए थे मतलब वहाँ पे, वो क्या थे, हम उनको नहीं जान पाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि राइटिंग जो थी वो इन्वेंट नहीं हुई थी, राइटिंग तो थी लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए थे। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड ये हो गया प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। अब है हिस्टोरिकल पीरियड, अब हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में जान लेते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि रिटर्न रिकॉर्ड्स जिसके होते हैं, और अगर हम जो है वो डेप्थ देखें तो प्री हिस्टोरिक, ये देखिए प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम पैलियोलिथिक पीरियड, मीज़ोलिथिक, नियोलिथिक सिविलाइजेशन इनमें डिवाइड कर सकते हैं,
तो ये जो सारा का सारा जो टाइम है सिविलाइजेशन तक का, वो प्री हिस्टोरिक पीरियड में आता है। हिस्टोरिक पीरियड अगर हम देखें तो हिस्ट्री जिसके रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि हमने मैंने पहले आपको बता दिया, हिस्ट्री जिसके रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं वो हो गई एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। और जैसे कि आप बीच में देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया भी गया है कि जो राइटिंग ऑफ इन्वेंशन जो हुआ था, यानी कि इन्वेंशन ऑफ राइटिंग जो हुआ था, वो हुआ था 3000 BC के आसपास। तो ये हो गई हमारी प्रीहिस्टोरिक पीरियड। अब